दोस्तों आपका फिर से पहेली हाउस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फिर से कुछ मजेदार बालवीर और सीआईडी पहेलियां सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पहेली हाउस को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी पहेली वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए आज की मजेदार पहेलियां शुरू करते हैं। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ आपको कुछ इमेजेस दी गई है जिनको मिला के आपको चॉकलेट का नाम बताना है। सो फ्रेंड्स सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों क्या आप इसका आंसर फाइंड आउट कर पाए? अगर हाँ तो बहुत अच्छे, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहली इमेज में है की और दूसरी इमेज में है टी लेटर और तीसरी इमेज में है कैट। तो इन तीनों इमेजेस को मिला के चॉकलेट का नाम हो जाएगा किट कैट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हमारी अगली पहेली की तरफ। लेकिन अगली पहेली देखने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हमारी अगली पहेली की तरफ। दोस्तों अब आप इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ आपको दो फैमिलीज नजर आ रही है, ए और बी। तो दोस्तों आपको इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देख के बताना है कि इन दोनों फैमिलीज में से किसके खाने में जहर है। तो दोस्तों सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ बी नंबर वाली फैमिली के खाने में जहर है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कैसे। सो फ्रेंड्स आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ इस खाने के प्लेट में एक मरी हुई छिपकली पड़ी है और हम सबको तो पता ही है कि छिपकली में कितना जहर होता है। तो इस छिपकली की वजह से यह खाना पूरा जहरीला हो गया होगा, इसलिए मेरे ओपिनियन से बी नंबर वाले फैमिली के खाने में जहर है। तो दोस्तों ये तो हुई मेरी राय, लेकिन इस पे आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और पहेलियां पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी मजेदार पहेलियां मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।